तो हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करके आना है, तो थोड़ा उसी पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं पहले। ओके, सो लिक्विड सॉल्यूशन, तो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, तो क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं, इस पे रिवाइज किया ही होगा तुम लोगों ने। तो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन Having density 1.1 gram per ml. So, molarity calculate करो क्या होगा? यस देवांग, करेक्ट है।
चलो कराते हैं। तो देखो जब यार वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हो एंड दूसरा कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकालने को बोला जाए, तो ऐसे केस में वी कैन अज्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन व्हाट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। यार वेट बाय वेट परसेंटेज क्या बताता है, ये बताता है कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट होगा। ओके 100 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा उसी को वेट बाय वेट परसेंटेज बोलते हैं। तो वी हैव टेकन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट होगा ना, तो वी हैव टेकन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो इसमें 10 ग्राम हो गया सॉल्यूट, हम बोल सकते हैं 10 ग्राम हो गया NaOH। तो यार मोलरिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड ऑब्वियसली आ जाएगा, इसके अलावा वॉल्यूम भी रिक्वायर्ड है। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100, डेंसिटी इज 1.1, तो यूनिट क्या होगी इसकी, आप यूनिट होगी ml। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नाउ व्हाट इज मोलरिटी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इज वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, एंड देन इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो अगर लीटर में तो एज इट इज रखेंगे, बट अगर ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 भी लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा, तो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट इज 40 मोलार मास इज, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट इज 10 मोलार मास इज 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 अपॉन 1.1 एंड यहाँ पर हमने ले लिया 1000, तो दिस इज नथिंग बट 11/4 विच इज 2.75 मोलार। क्लियर है, ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन। ml ऑफ 0.2 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन is mixed with 20 ml of 0.5 molar Na2SO4 and
30 ml of 0.4 molar Al2SO4 whole size determine H+C concentration, Na+C concentration, Al3+C concentration, and SO4-2- concentration in resultant solution. ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन निकालो क्या होगा. Yes, they are correct.
यस करेक्ट है। यस सौम्या एंड देवांग करेक्ट है दोनों का, बाकी करूंगा अभी रिजल्ट करा देते हैं अभी। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था M1V1+M2V2/V1+V2 है ना, ये वाला फॉर्मूला होता था रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये ऐसे रेंडमली हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये कब अप्लाई करेंगे जब सेम सब्सटेंस के दो सॉल्यूशन होंगे और उनको मिक्स करेंगे और उनका ही कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो बट यहाँ पर देखो H2SO4 है Na2SO4 है, तो इस टाइम पर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्वियसली यूज करेंगे। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही करना है, टोटल मोल्स देखने पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने हैं डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे। तो जैसे मान लो हमें यहाँ पर एच पर्सी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो एच पर्सी के टोटल मोल्स देखो एंड देन डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो देखो H2SO4 से ही आएगा एच पर्सी और किसी से नहीं आएगा। तो H2SO4 के कितने होंगे, तो 50 × 0.2 ये ऑब्वियसली H2SO4 के मिली मोल्स हो गए, है ना, दीज आर मिली मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू 2 करेंगे तो एच पॉजिटिव के मिलीमोल्स मिलेंगे। तो एच पॉजिटिव के मिलीमोल्स आए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इट इज 100, ठीक है। तो ऊपर अगर हम मिलीमोल्स लेंगे तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 मोलर आ जाएगा। ओके सिमिलरली Na पॉजिटिव सेकेंड सॉल्यूशन से आएगा तो वो कितना आएगा यार, तो Na पॉजिटिव जो है देखो Na2SO4 के कितने होंगे 20 × 0.5 Na2SO4 के मिलीमोल्स हैं, और एक Na2SO4 क्या देगा, दो Na पॉजिटिव देगा, 22 किया तो Na पॉजिटिव के मिलीमोल्स, और किसी से Na पॉजिटिव आएगा नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो दिस इज ऑल्सो 0.2 मोलर। ओके
सिमिलरली अब देखो AL 3 पॉजिटिव कहां से आएगा, AL 3 पॉजिटिव थर्ड सॉल्यूशन से आ रहा है। तो AL 3 पॉजिटिव का कितना आएगा, तो 13.4 हो गया Al2SO4 होल थ्राइस के मिलीवोल्ट, और एक Al2SO4 होल थ्राइस कितने एल देगा, दो, इनटू टू कर दिया तो ये एल थ्री पॉजिटिव के मिलीवोल्ट हो गए डिवाइड बाय वॉल्यूम विच इज 100, तो ये आएगा 0.24 मोलार। ठीक है, ये आ गया तीनों का। इसके अलावा एसओ फोर जो है सल्फेट आयन वो तीनों से आ रहा है, तो तीनों से कितना कितना सल्फेट आ रहा है वो देखेंगे। तो एसओ फोर टू नेगेटिव जो है उसका क्या होगा, तो फर्स्ट वाले से 50.2 मिलीमोल्स हो गए एसओ फोर के, एंड इंटू वन करेंगे तो एसओ फोर का मिलेगा, बिकॉज एक एसओ फोर एक ही एसओ फोर देगा। सिमिलरली सेकेंड वाला जो है उससे 20.5 किया तो Na2SO4 के मिलीवोल्ट, एंड इनटू वन करेंगे तो SO4 के, बिकॉज इसमें भी एक ही SO4 है। एंड बट लास्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो 13.4 क्या हुआ, Al2SO4 होल थ्राइस के मिलीवोल्ट, SO4 के क्या होंगे 3 टाइम्स, Al2SO4 होल थ्राइस है ना, तो SO4 के जो मिलीमोल्स हैं वो 3 टाइम्स हो गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। तो ये वैल्यू जो है ये क्या आ जाती है, 0.56 आ जाती है। क्लियर है, तो इस टाइप से हमारे पास ही हो जाएगा। देख लिया सबने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट
NaOH solution. यस देवांग करेक्ट है. कुआम करेक्ट है. देखो तो जब मोलेलिटी कैलकुलेट करना हो तो अच्छा मोलेलिटी होता क्या. तो मोलेलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है ना. हम बोल सकते हैं अगर हम सॉल्वेंट 1 kg लेते हैं तो उसमें जो भी सॉल्यूट हमने डिजोल्व किया है जो भी सॉल्यूट का मोल्स डिजोल्व किया है वही क्या है मोलेलिटी. तो वेट बाय वेट परसेंटेज के टाइम हम एज्यूम कर सकते हैं. हम एज्यूम कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जैसे थोड़ी देर पहले बताया ठीक है. तो एज्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन अगर हमने 100 ग्राम एज्यूम किया है तो वेट ऑफ NaOH क्या हो गया. तो पहले मोल्स देख लेते हैं. मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा.
तो मोल्स ऑफ एनए या सॉरी वेट 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 ऑफ एनएस क्या हो गया, वेट ऑफ एनएस हो गया 10 ग्राम ठीक है। नाउ हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा यार 100 माइनस 10 विच इज 90 ग्राम ठीक है। हमें यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम। नाउ मोलैलिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट देन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम एंड यहां पर आ जाएगा ऊपर 1000। सो दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉल्यूट इज 10 डिवाइड बाय मोलार मास इज 40 देन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 90 एंड यहां पर ऊपर आ गया 1000। सो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट ये देखो ये कैंसल आउट हुआ 10 और कैंसल आउट हुआ, सो दिस इज 25/9 और वी कैन से 2.78 मोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलार एंड एओएच सॉल्यूशन having density 1.08 gram per ml.
यस करेक्ट है। तो देखो रिलेशन था यहाँ पर मोलरिटी और मोलरिटी में अगर याद हो तो क्या रिलेशन था यार, सो मोलरिटी इज 1000 इंटू मोलरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलरिटी, यही था ना। तो यहाँ पर 1000 इंटू मोलरिटी 2 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी विच इज 1.08 माइनस मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 इंटू मोलरिटी। तो क्या है, तो दिस इज 1000 इंटू 2 डिवाइड बाय 1080 माइनस 80 विच इज नथिंग बट 1000 इंटू 2 डिवाइड बाय 1000 ओके मीन्स 2 मोलार। तो मोलरिटी एंड मोलरिटी यहां पर क्या हो गया, सेम हो गया। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया ना रोहन, 1000 इंटू मोलरिटी है ना, मोलरिटी इज 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ 2 मोलार एक्वस यूरिया सॉल्यूशन।
मोलेलिटी जो है वो क्या है यार, मोलेल मतलब मोलेलिटी दिया ना, तो मोलेलिटी क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यार मोलेलिटी जब दिया और दूसरा कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकलवा रहा हो तो एज्यूम करना 1 kg सॉल्वेंट, ओके। तो एज्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 kg। अच्छा सॉल्वेंट क्या है यार, एक्वा सॉल्यूशन है ना, मतलब सॉल्वेंट जो है वो क्या है, H2O, है ना। तो 1 kg हम बोल सकते 1000 ग्राम, हमारे पास सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। अब अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg एज्यूम करेंगे तो जो मोलेलिटी है वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स मोल्स ऑफ यूरिया जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया यार। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा फिर यार, तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आएगा प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएगा। तो दिस इज 2 divided by 2 plus, अच्छा वाटर के मोल्स कितने होंगे यार, तो 1000 ग्राम उसका वेट है डिवाइडेड बाय मोल आर मास 18। तो दिस इज नथिंग बट 36/1066, ओके। तो ये हमारे पास अगर इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट इज 0.035, ओके। तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 115 शायद भी है। ये 4 एंड देवांग का भी करेक्ट था। ठीक है, देन इसके बाद वेट बाय वेट परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल वेट चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अगर हमें पता है तो वेट ऑफ यूरिया क्या होगा यार, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे उसको मोलार मास से, तो मोलार मास ऑफ यूरिया 60। तो दिस इज 120 ग्राम। तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा यार, तो वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 120 डिवाइड बाय टोटल वेट, तो टोटल वेट अपने पास क्या हो गया 1000 + 120 एंड देन इनटू 100। तो दिस इज 120 डिवाइड बाय 1120 इनटू 100, सो दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। तो दिस इज 10.7, ये आएगा 10.7%। ओके, यस देवांग कुमार, हर आंसर करेक्ट ही होता है। फाइनल एग्जाम में भी करेक्ट ही हो तो मतलब है ना। एमटी में कितने मार्क्स आए थे लास्ट वाले में, अभी वाले एमटी में कितना क्या मार्क्स आया, रैंक क्या था, रैंक 107, अंधेरी रैंक है ना ये 107, पीछे गया फिर तो। ठीक है, मेहनत नहीं कर रहा मतलब को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया सबने ना।
लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर, मतलब ये भी एक्चुअली चैप्टर में क्वेश्चन दिया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की वजह से, बट मेन चैप्टर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 200 ppm of CaCO3 solution. Calculate molality of 200 ppm of CaCO3 solution. ppm parts per million पढ़ाया गया, parts per million नहीं पढ़ाया, ठीक है चलो बता देते इसको थोड़ा। तो ppm जो है ये क्या होता है, इट इज पार्ट पर मिलियन, हम बोल सकते हैं कि वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट अगर हम देखेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज ppm कॉन्सेंट्रेशन। इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहता है, अगर हमें वेट ऑफ सॉल्यूट वगैरह ये कुछ दिया हो, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम तो सॉल्व करो।
तो देखो यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं, देखो जब भी पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन दिया और कोई दूसरा कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो हम एज्यूम करेंगे 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो एज्यूम 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो एज्यूम 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो जो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन दिया वही क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, मतलब CaCO3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वेट ऑफ CaCO3 जो है ये क्या आ गया, 200 ग्राम आ गया। नाउ हमें क्या रिक्वायर्ड है यार मोलेलिटी के लिए, मोलेलिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। नाउ यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा यार, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट वैसे तो क्या होगा, इसे 10^6 माइनस 200 होगा ना, बट यार इसका 200 माइनस करके कोई ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं ना, इट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वी कैन टेक इट एज 10^6 ओनली, ओके। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को 10^6 ही ले सकते हैं। तो नाउ मोलेलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 200 डिवाइड बाय मोलार मास CaCO3 का 100 है, ओके, एंड देन डिवाइड बाय 10^6, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉरी इन ग्राम, तो केजी के लिए यहाँ पर 1000 ले लिया हमने, ओके। तो ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज 2 × 10^-3, ये वी कैन से 0.002 मोलार, ओके, क्लियर सभी को। अच्छा एक चीज याद रखना, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे वाला है, तो फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन मोलेलिटी और मोलरिटी सेम होता है, ओके। तो अगर यहां पर मोलेलिटी कैलकुलेट करने को बोलते तो भी ऑब्वियसली हम क्या लेते, 0.002 मोल ही लेते, ओके। वेरी डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास सॉल्वेंट जो है बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम, ओके, और सॉल्वेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। तो इस केस में मोलेरिटी जो है 0.002 आया, बट मोलेरिटी अगर कुछ था तो भी 0.002 आता, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या होता है 1 ग्राम पर ml होता।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर जो है मेनली वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है यार? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये सॉल्यूशन, ये वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती है, और मतलब वो जो पार्टी हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके मतलब कितने पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे, वो सब्सटेंस कौन सा उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब अगर हम अलग अलग सब्सटेंस लेते हैं बट उनके पार्टिकल सेम है तो जो सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उनकी वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which only depend upon number of particles of solution, the number of particles present in solution. Are called colligative properties. So example, अगर हम इसके देखें, तो जैसे first है osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इसके बाद लास्ट जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो ये फोर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है जो ओके, तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ये सॉल्यूशन के ये सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टी है जो जस्ट किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। ओके, सॉल्यूशन में मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेंगे, वो पार्टिकल किस सब्सटेंस के हैं उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। अगर पार्टिकल्स दो अलग अलग सब्सटेंस के हैं लेकिन उनका नंबर सेम है तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, एंड ये चार टाइप के हैं, एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन लास्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
ठीक है। अब देखो ये जो हमने बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगे आप, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। बट हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही चेंज हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उनको जब वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट वगैरह हो सकते हैं ना, तो उनके केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए हम यूज करते हैं वेंट ऑफ नेक्स्ट स्टडी डालो वेंट ऑफ फैक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के थ्रू। तो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डिफरेंट देन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। तो फॉर दिस टाइप ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर यूज, ठीक है, तो इस टाइप के सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर यूज। अब क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर वो भी बताते हैं, लिखो पहले। इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन यस कुंत, तो जो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए जिनके केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट आए उन्हीं के लिए वेंट ऑफ फैक्टर यूज किया जाएगा। देख लिया सबने, तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, तो इसके लिए इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जो आई है वेंट ऑफ फैक्टर इट इज फाइनल और एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय इनिशियल और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
है, तो फाइनल नंबर पार्टिकल्स कितने वो डिवाइड बाय इनिशियल नंबर पार्टिकल कितने हैं, तो ये करके हमें क्या मिल जाएगा, वेंटर फैक्टर आई मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, इट इज फाइनल या फिर एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय इनिशियल थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो इवेंट ऑफ फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिवाइड बाय इनिशियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। फाइनल वैल्यू क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एंड इनिशियल क्या थी, तो उनका जो रेशियो है ये भी क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आई हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ सिमिलरली आई जो है ये इन टर्म्स ऑफ मोलार मास या मॉलिकुलर मास भी आता है। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये फाइनल बाय इनिशियल है, इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर मास ये इनिशियल बाय फाइनल होता है। मतलब यहां पर हो जाएगा इनिशियल या फिर थियोरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो मॉलिकुलर फॉर्मूला को यूज करके आता है वही, या फिर एक और टर्म यूज की जाती है नॉर्मल। ठीक है, तो इनिशियल थियोरेटिकल कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय फाइनल या फिर एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल यूज कर लेते हैं, कुछ जगह एबनॉर्मल लिखा जाता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूल सॉरी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास को, तो फाइनल एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये था फाइनल बाय इनिशियल, इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ये क्या था, फाइनल बाय इनिशियल था, बट इन टर्म्स ऑफ ठीक है, तो इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।
आ गए सब लोग, स्टार्ट करें। तो वेंटा फैक्टर जो है, ये हमने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल फाइनल बाय इनिशियल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी फाइनल बाय इनिशियल, बट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास इनिशियल बाय फाइनल होगा। ठीक है, तो यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने बोला फाइनल बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो एज इट इज रहेंगे ना, तो चेंज नहीं होंगे ना, तो हम बोल सकते हैं फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूरिया सुक्रोज, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आई है वो क्या रहेगा, वन रहेगा। क्यों? क्योंकि यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने इनिशियली थे उतने भी रहेंगे ना, वो चेंज होंगे ही नहीं। ओके, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या रहती है, वन होती है। ओके, अब हम देखते हैं यार हम वेंटा फैक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर डिसोसिएशन का केस ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ए एन जो है वो डिसोसिएट हुआ और डिसोसिएट होके उसने दिया ए, तो इनिशियल मोल्स जो है हमारे पास है इसके ए, देन फाइनल मोल्स में अगर हम देखेंगे फाइनल में मैं बोलता हूँ यार इनिशियल ए है तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा ए अल्फा रिएक्ट कर जाएगा, ए ए अल्फा रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा एन ए अल्फा। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो अल्फा जो है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो फाइनल नंबर ऑफ हमारे पास टोटल मोल्स क्या हो गए, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। अगर हम यहाँ पर ए कॉमन लेंगे तो दिस इज वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और दिस इज नथिंग बट वन इंटू वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन। तो हमारे पास फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ओके, तो अभी आई जो है वो क्या हो जाएगा यार, तो पहले ये लिखो आगे बताते हैं। आवाज कट रही है, हम बोल रहे हैं सर लैग हो रहा है, लैग है क्या? ओके ठीक है, स्टार्ट करता हूं।
अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? ओके सो लिखो फिर आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? चले आगे। तो अब देखो आई क्या हो जाएगा, तो आई जैसे हमने बताया वो क्या है, इट इज फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास ही आए, फाइनल मोल सी आ गए, एंड इनिशियल क्या है ए। तो देखो ए से कैंसिल आउट हो गया है ना, मीन्स इनिशियल मोल्स हम क्या लेंगे उससे कोई मतलब ही नहीं है। ओके सो इनिशियल मोल्स हम वन भी ले सकते हैं, बिकॉज वन लेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा, डायरेक्ट अल्फा रिएक्ट करा सकते हैं अगर वन लिया तो, है ना, बिकॉज इनिशियल का अल्फा टाइम्स रिएक्ट करता है। ओके सो आई यहां पर हम देख सकते हैं ग्रेटर देन वन आ रहा है। ओके तो जब भी डिसोसिएशन होगा आई की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन वन आएगी। ओके तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl gives Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसका देखते हैं आई क्या होगा। तो इनिशियल वन ले लिया अभी, ये जीरो जीरो, एंड फाइनल हम बोलते हैं यार अल्फा इसका मान लो रिएक्ट किया तो बचेगा क्या, वन माइनस अल्फा, और इसका अल्फा बन गया इसका अल्फा। तो अभी देखो टोटल कितने हो गए, दिस इज वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, विच इज नथिंग बट वन प्लस अल्फा। ओके सो फाइनल हमारे पास मोल्स हो गए, तो आई क्या होगा, आई हमारे पास हो गया
फाइनल विच इज 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल इज 1, ये हम बोल सकते हैं ऐसे केस में इनिशियल तो 1 है, तो जो भी फाइनल मोल्स आएंगे वही आई हो जाएगा। ओके सो ये हो गया आई 1 प्लस अल्फा। और अगर हम आई को 2 ले लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी आई को सॉरी अल्फा को अगर 1 ले लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। ओके सो ये कब होगा, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, ये हम बोल सकते हैं 100% आयनाइजेशन। ओके सो अगर हमारे पास 100% आयनाइजेशन है तो उस केस में यहां पर अल्फा क्या आ गया, अल्फा 1 आ गया और उसकी वजह से आई क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है लिखो ये। हो गया सबका,
शिवम, अगर हम 100% डिसोसिएशन लेते हैं ना, अगर 100% डिसोसिएशन या आयनेशन है तो अल्फा को 1 ले सकते हैं, ठीक है? तो NaCl के लिए तो वैसे 100% ही होता है, ओके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उनके लिए 100% होता है। तो यार देखो, यहाँ पर एक सिंपल और कॉन्सेप्ट है आई निकालने के, ये सब करने के बजाय, अगर 100% डिसोसिएशन है, आयनेशन है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी बात कर रहे हैं, तो आई कैसे देखोगे? तो यार वन से कितने पार्टिकल आते हैं वही आई हो जाता है। जैसे एक NaCl से दो पार्टिकल आएंगे, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, तो आई क्या हो गया? 2 हो गया, ओके? तो एक सब्सटेंस जो है वो कितने में ब्रेक हो रहा है, दैट इज आई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एक कोई सब्सटेंस जो है कितने में ब्रेक हो रहा है वही उसका क्या होगा? आई होगा, ओके? कितने आयंस में ब्रेक हुआ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट वही आई हो जाएगा, लेकिन कब? जब 100% डिसोसिएशन है। तो अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होता है ऑब्वियसली अल्फा वाला कॉन्सेप्ट जो है पूरा प्रोसीजर यूज कर लेंगे, ठीक है? तो अगर हम 100% डिसोसिएशन ले तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर 100% डिसोसिएशन अगर है तो CaCl2 का आई क्या होगा यार? CaCl2 का आई हो जाएगा 3, बिकॉज वो 3 पार्टिकल देगा, एक CA का और 2 Cl के। AlCl3 का आई क्या होगा? AlCl3 का आई हो जाएगा 4, बिकॉज वो एक Al का और 3 Cl का देगा। सिमिलरली Ca3PO4 होल ट्वाइस का क्या होगा? यहाँ पर हमें 3 Ca के और 2 PO4 के मिलेंगे तो 5 होगा। इसी टाइप से K4FeCN6 का क्या होगा? K4FeCN6 का क्या होगा? K4FeCN6 का क्या होगा? K4FeCN6 जो है इसका 5 होगा। K4 एफिशिएंसी का क्या होगा? 5। याद रखना जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहां पर हमें 4 K के आयन मिलेंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला आयन मिलेगा, ठीक है? सो अगर 100% डिसोसिएशन है तो हम इस टाइप से डायरेक्ट देख सकते हैं कि एक से कितने पार्टिकल आएंगे वो उसका आई हो जाएगा, ओके? क्लियर है सबको ना? उतने ही हमारे पास क्या होगा? स्टार्टिंग से अनम्यूट, मैंने देखो अगर किसी को डाउट है तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, तुम हैंड रेज कर देना, ठीक है? तो हाँ रोहन, तो क्या था, जितने भी नंबर ऑफ आयंस पर्टिकुलर देगा वही उसका आई हो जाएगा अगर 100% डिसोसिएशन है तो, ओके?
देवांग अगर क्लियर है तो हैंड्स अप कर सकते हो ना। ओके चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Determine ratio of Ventoff factor of and अल्फा जो है वन लेना है, मतलब 100% डिसोसिएशन लेना है। ओके सो यस करेक्ट है, सो 5/4 हो जाएगा। तो देखो ए एल टू एस एफ फोर के मिलेंगे, तो इसका आई क्या होगा, इसका आई 5 होगा। और यहां पर देखो के थ्री का एक, मतलब के थ्री के वैसे 3 आयन और एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला आयन, तो इसका आई क्या होगा 4। तो रेशियो क्या हो गया यार, रेशियो 5/4 हम बोल सकते 1.25। क्लियर है सबको ना? ओके चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। Determine degree of ionization of BaNO3 Ventoff factor is 2.74.
अनुसाइन देवांग करेक्ट है। तो देखो BnO3 होल ट्वाइस जो है वो किस टाइप से डिसोसिएट हो गया यार? ये डिसोसिएट हुआ, इसने दिया Ba2 पॉजिटिव एंड ट्वाइस NO3 नेगेटिव। ऑब्वियसली अगर इसका 100% डिसोसिएशन होता तो I3 आता, बिकॉज एक तीन पार्टिकल दे रहा था ना। तो देखो इनिशियल वन इसका 0 0, और फाइनली अगर मैं बोलता हूँ इसका अल्फा रिएक्ट करेगा तो ये बना अल्फा, ये बना 2 अल्फा, है ना। तो इसका एंड टोटल क्या आ गया? इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, विच इज 1 प्लस 2 अल्फा। तो आई क्या हो गया? आई ऑब्वियसली 1 प्लस 2 अल्फा ही होगा ना, बिकॉज आई इज फाइनल अपॉन इनिशियल। तो इनिशियल तो 1 ही है ना, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 प्लस 2 अल्फा जो है ये क्या होना चाहिए, 2.74। तो 2 अल्फा क्या होगा? ये होगा 1.74। सो 2 अल्फा अगर 1.74 है तो अल्फा क्या हो गया? 0.87। क्लियर है सबको? हो गया सबका ना? तो ये था डिसोसिएशन वाला। नाउ बात करते हैं एसोसिएशन की। तो एसोसिएशन में क्या होता है? उल्टा होता है, एन ए गिव्स ए एन, इस टाइप का होता है एसोसिएशन।
तो इनिशियल यहाँ पर हो गए वन, ये जीरो, एंड देन फाइनली हम बोलते हैं इसका अल्फा रिएक्ट करेगा तो बचेगा वन माइनस अल्फा. अब देखो ए एन कितना बनेगा, तो एन से बनता है वन, वन से वन बाई एन, तो अल्फा से अल्फा बाय एन. तो टोटल कितना हो गया यार अभी, तो नाउ एन टोटल इज वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और वी कैन से वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस वन बाय एन. तो ये क्या हो गया, ये हो गया वन माइनस अल्फा इंटू एन माइनस वन अपॉन एन. तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा फाइनल अपॉन इनिशियल, इनिशियल तो वन है तो ऑब्वियसली फाइनल जो नंबर ऑफ मोल्स है वही हमारे पास क्या हो गया, आई भी हो गया ना. मतलब दिस इज वन माइनस अल्फा इंटू एन माइनस वन अपॉन एन. तो यहाँ पर देख सकते हैं यार कि ये जो अभी हमारे पास आई आ रहा है दिस इज लेस देन वन है ना. पहले जो आई आ रहा था वो ग्रेटर देन वन आ रहा था, अभी जो आई आएगा वो क्या आएगा, लेस देन वन आएगा. ठीक है, सो एसोसिएशन में आई लेस देन वन, डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन वन. हो गया सबका, तो देखो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, जैसे twice NO2 gives N2O4, तो ये NO2 का डाइमर है, तो इनिशियल हम यहाँ पर वन मोल ले लिए इसके और इसके जीरो, देन फाइनली हम बोलते हैं कि यार NO2 का अल्फा रिएक्ट कर गया तो N2O4 का क्या बनेगा, देखो 2 से 1 बनता है 1 से हाफ, सो अल्फा से अल्फा बाय 2. ठीक है, सो हमारे पास अभी N टोटल क्या आएगा, सो दिस इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, और वी कैन से 1 माइनस अल्फा बाय 2. सो I क्या हो गया, I हो गया 1 माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1 या फिर 1 माइनस अल्फा बाय 2. तो ये हमारे पास I आ गया. अब ये जो I है ये क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा हमारे पास, देखो अगर हम यहाँ पर अल्फा को वन ले लें तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया ना. ठीक है, सो देखा इफ अल्फा इज इक्वल टू वन, ये हम बोल सकते हैं, और 100% एसोसिएशन. अगर 100% एसोसिएशन है तो अल्फा को वन ले सकते हैं, तो आई यहाँ पर क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है. लिखो फिर आगे चलते हैं.
हो गया ना। तो देखो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं यार, अगर हम यहाँ पर देखे जाए पार्टिकल कितने पार्टिकल दे रहा है ना, देखो 2NO2 gives 1N2O4 है ना, so 2 से 1 मिलता है, तो 1 से कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा ना, अगर एक NO2 है तो कितना देगा, हाफ into 4 देगा, अगर 100% association हुआ तो, okay? तो सेम कॉन्सेप्ट है, अगर हम 100% association लेंगे तो सेम वैसे ही बोल सकते हैं जैसे लास्ट टाइम बोला था, ठीक है, तो फॉर 100% association तो ट्वाइस ए गिव्स ए टू जो है, जो कि डायमर है, ठीक है, अल्फा सॉरी आई क्या हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा, टू से वन बनता है तो वन से हाफ, जैसे इस केस में था। सिमिलरली थ्री ए गिव्स ए थ्री, इस टाइप का अगर कोई रिएक्शन है तो ये बना ट्राइमर, तो यहाँ पर आई क्या आ जाएगा यार, तो देखो थ्री से वन, थ्री जो है वो कितना देता, वन देता है, तो वन कितना देगा, वन बाय थ्री, इसका क्या आएगा, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रामर, ओके। सिमिलरली ए फोर बाय इसका ही होगा। सिमिलरली एन ए गिव्स ए एन, एन जो है वन देता है तो वन कितना देगा, वन बाय एन, देखो ठीक है। तो इस टाइप से हम एसोसिएशन के केस में आई जो है वो देख सकते हैं। अभी भी लैग हो रहा है क्या, सर आवाज नहीं आई, बहुत लैग हुआ, अभी भी लैग है क्या, अभी सुनाई दे रहा है ना, कोई बोल रहा है, हाँ सर सीएम बोल रहा है, हाँ सर बीच में वो बहुत हुआ, अभी नहीं है ना, अभी क्लियर है क्या, बीच बीच में होता रहता है, ओके अभी क्लियर है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक जो है वो कितने पार्टिकल देगा, वो हमारे पास क्या है, आई है, ओके। सो यहां पर देखो 2A 1A2 देता है ना, तो 2 से 1 मिलता है तो 1 से कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा ना। सिमिलरली 3A गिव्स A3, तो वहां पर देखो 3 से 1 मिलता है तो 1 से 1 बाय 3, ओके। सो 1 जो है वो कितना देगा, वही उसका आई हो जाएगा अगर 100% एसोसिएशन है तो, ओके। सिमिलरली 4A गिव्स A4, तो मतलब 4 से 1 तो 1 से 1 बाय 4, क्लियर है सबको, लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब हम 100% एसोसिएशन लेंगे, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल लिख देते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH इज 75 व्हेन इट अंडरगोज when it undergoes dimerization determine I and alpha of CH3COOH
ओके ठीक है करेक्ट है शायद, देखते हैं। तो यार CH3COH जो है इसका एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास क्या है? CH3COH का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 60। तो आई क्या हो गया यार, जैसा हमने बताया था देखो, इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइनल बाय इनिशियल था, बट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या था? इनिशियल बाय फाइनल। ठीक है, सो इनिशियल मतलब जो फॉर्मूले से आता है वो इनिशियल की बात करेंगे, वो थियोरेटिकल है। तो 60 आया एंड एबनॉर्मल वाला जो है वो कितना दिया है? 75। तो ये क्या हो गया? 4/5 आ गया। तो आई जो है 4/5 हम बोल सकते हैं 0.8 है। अब देखो अल्फा कैसे निकाले, तो अल्फा क्या है, तो अल्फा के लिए देखो ये डाइमर बना रहा है, ठीक है। तो CH3COH, दो CH3COH जो है वो डाइमर बना के ऐसा कुछ फॉर्म करेगा। तो इनिशियली 1, इसका 0 एंड फाइनली हम बोलते हैं इसका अल्फा रिएक्ट करेगा तो 1 - अल्फा एंड इसका बनेगा अल्फा बाई 2। सो एंड टोटल क्या आया? दिस इज 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 विच इज 1 - अल्फा बाई 2। ऑब्वियसली यही हमारे पास आई भी हो जाएगा, है ना। तो इसका आई क्या आ रहा है? 1 - अल्फा बाई 2 आ रहा है ना। नाउ दिस 1 - अल्फा बाई 2 जो है ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 0.8। ओके, तो यहाँ से अल्फा बाई 2 क्या आ गया? 1 - 0.8 विच इज 0.2। सो अल्फा क्या आएगा? अल्फा आ जाएगा 0.4 या 2/5। ठीक है, सो आई जो है वो 0.8 है एंड अल्फा क्या है? 0.4। देवांग उल्टा किया तुमने, 5/4 किया, 4/5 है। अनुषा करेक्ट, पूम भी करेक्ट है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क जो है वो रहेगा फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, एक तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट, और दूसरा वेंट ऑफ फैक्टर वाला। ठीक है, ये दोनों जो है ये होमवर्क रहेगा आज का। ठीक है, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं, बाय।